तो यही जो रोड है ये खारदुंगला होते हुए जाएगा न्यूब्रा वैली को, बट मैं इसलिए कैमरा ऑन किया है, थोड़ा एक बार ये वाला व्यू देख लो। मतलब अलग अलग स्टेट्स की चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे। मतलब वो देखो पहाड़ जिस पे बर्फ़ पूरा जमा हुआ है, ये एकदम डेड पहाड़ है, और वो सारे पहाड़ी जहाँ पे शेडोज बन रहे, मतलब जो स्काई है स्काई का शेडोज बन रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। दुगला पीक कंप्लीट हो गया खारदुंगला। चलो भैया थोड़ा सड़के हमको जाने दीजिए नीचे। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुका है, रात में बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि बहुत थका हुआ था। अभी सुबह नहा धो के फ्रेश हो गया है। तो बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे आपको परमिट लेना पड़ता है। परमिट जो है वो ऑनलाइन आ जाता है, आराम से इसलिए मिल जाता है। दो लोगों का मुझे लग रहा है कि लगभग 960 रुपये चार्जेस होते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर परमिट ले रहे हो तो यहाँ पर जो आने के जो डेट है वो 2 दिन पहले का डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन स्टे करने का एक नया रूल आया हुआ है। तो अभी चलते हैं, कुछ सामान परचेस करना है, उसके बाद मिलते हैं। तो ये बेसिकली अपना होटल था, और अभी मैं हम लोग जा रहे हैं मार्केट में सिम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अपना सिम है वो सिम नहीं चलता है। तो अभी थोड़ा सा कॉल स्टार्ट किया है, फ्यूल तो बहुत ही कम है इसमें। अभी चलते हैं और देखते हैं। भैया इसको कौन सा जगह बोलते हैं? शुभी शुभी शुभी, याद रखना ठीक है। तो बेसिकली ये है यहाँ का मार्केट, वो व्यू देखो, और वो एयरप्लेन जा रहा है, कितना सही लग रहा है। अगर प्लेन अगर कैमरे में आ रहा होगा तो कितना सही लग रहा था। पहाड़ के किनारे जैसे हमने गेस्ट हाउस वगैरह बना के रखा हुआ। तो कल रात में हम लोग लगभग 10 बजे आए हैं, और 10 बजे आने के बाद हम इतनी थकान थी कि बस खाना खाए और सो गए, क्योंकि वो जो रास्ता था ना वो बहुत थकाने वाला था। एक तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है यहाँ, तो थकान थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अभी यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं, मुझे लगता है मार्केट यहाँ पर थोड़ी लेट से ओपन होता होगा। पूछें क्या सिम मिलेगा क्या? तो अभी हुआ ये कि जो हम सिम लेने के लिए आए थे वो सिम अभी मिला नहीं है, क्योंकि जो एयरटेल का ऑफिस है वो लगभग 10 बजे के बाद खुलेगा, तो हम लोगों को 10 बजे के बाद वापस आना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं वापस होटल पे, तब तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ले हैं गलियों में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और, एकदम अपनी बनारस की याद आ गई। जैसे बनारस हम लोग अपना गलियों में बाइक चलाते हैं, वैसे यहाँ पर भी गलियाँ हैं। तो वापस हम लोग पहुँच गए अपने होटल पे। इंटरनेट ऑन हुआ क्या? तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट कैफ़े या जो भी आप बोल सकते हैं वो ऊपर के साइड में। तो चलते हैं आपको भी लेके, ताकि आपको भी समझ में आए कि यहाँ किस तरीके का खाना होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिविंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, और जो अपना बंक बेड है वो ये है। तो यहाँ पर जो है मतलब अपने यहाँ पर शेयरिंग वॉशरूम है, जो कि आपको शेयर में यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर तो बहुत अच्छी वाली धूप निकली है, बट पैंगोंग में थोड़ा सा ठंड होगा, तो हमको उसके अकॉर्डिंग सारा प्लान करके जाना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे बाइक्स वगैरह रेडी हो गए हैं, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं न्यूब्रा वैली के लिए। तो अभी पहले यहाँ से न्यूब्रा वैली जाएंगे। न्यूब्रा वैली बेसिकली यहाँ से है लगभग 150 किलोमीटर। और अभी तो सबसे पहले हम लोग को सिम लेना है, सिम का शॉप जो था वो बंद था, वो 10 बजे ओपन होता है। तो अभी निकलने पहले जा रहे सिम लेने के लिए। महादेव।
सबसे पहले तो फ्यूल लेंगे, चलो। यहाँ पे फ्यूल के लिए भी अच्छी खासी लाइन लगती है, पेट्रोल फुल करना है इसका, और इसका दोनों एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है, कंटिन्यू कर लीजिएगा। न्यूब्रा किधर से पड़ेगा, न्यूब्रा वैली इधर से ही ना, सीधा जाना है यहाँ से, हाँ राइट, रोहतांग होते हुए जाएगा ना, रोहतांग पास होते हुए जाएगा ना, न्यूब्रा जाना है। अभी तो पहले मार्केट में जाएंगे, सिम लेना है ना एक। यहाँ पे जो पेट्रोल है वो 104 रुपए है, वहाँ पे 98। तो हमारा पेट्रोल फुल हो गया है। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो एयरटेल का जो नेटवर्क है वो न्यूब्रा के पास नहीं आता है, पेंगोंग के पास नहीं आता है, बट जियो का जो यहाँ पे लोकल सिम वगैरह आप लेते हैं तो उसका नेटवर्क आता है। तो यहाँ पे जियो का सर्वर नहीं चलाया क्या, इसके वजह से सिम नहीं मिल पा रहा। तो मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट जियो के ऑफिस में, शायद वहाँ से हमें सिम मिल जाए। तो एक बार पहुँचता हूँ जियो के ऑफिस में, अगर देखता हूँ वहाँ से सिम मिल जाएगा तो फिर हमें हर जगह पे नेटवर्क मिलेगा। बट यहाँ का व्यू देखो, मतलब एकदम अलग ही कल्चर, अलग ही सारा कुछ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना यहाँ पे सारा कुछ। तो ये जियो के ऑफिस में देखते हैं सिम मिलता है। तो फाइनली हम यहाँ से सिम ले चुके हैं, और सिम लेके अब हम निकल चुके हैं। मेरा सिम जो है एक्टिवेट हो गया, क्योंकि मेरे पास जो आधार कार्ड था उसका फिंगरप्रिंट ले रहा था। बट अगर आप डीएल या बाकी चीज़ों से अगर आप एक्टिवेट कराते हैं तो फिर वो जो सिम है वो एक्टिवेट होने में लगभग आधा घंटा लगता है। तो बस अब हम लोग रेडी हैं और हम निकल रहे हैं। तो ये है ले। तो बेसिकली अभी हम लोग जो न्यूब्रा वैली के लिए निकले हुए हैं, तो ये ले से ये खारदुंगला रोड है। तो खारदुंगला होते हुए फिर हम लोग न्यूब्रा पहुँचे। खारदुंगला जो है सबसे हाईएस्ट पीक है अपने पूरे वर्ल्ड का, मोटरेबल पीक। तो अब तो निकल चुके हैं और पहुँचते हैं वहाँ पे। तो यही जो रोड है ये खारदुंगला होते हुए जाएगा न्यूब्रा वैली को। बट मैं इसलिए कैमरा ऑन किया है, थोड़ा एक बार ये वाला व्यू देख लो। मतलब अलग अलग स्टेट्स की चीज़ें आपको दिखेंगे यहाँ पे। मतलब वो देखो पहाड़ जिस पे बर्फ पूरा जमा हुआ है, ये एकदम डेड पहाड़ है, और वो सारे पहाड़ी जहाँ पे शैडोज बन रहे, मतलब जो स्काई है स्काई का शैडोज बन रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये भाई, कितना प्यारा लग रहा है ना। यहाँ से पूरा आपको ले दिख रहा है, मतलब ले जो है वो सबने एक ही तरीके का पेड़ लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए जितने भी घर हैं यहाँ पे वहाँ पे सब पे ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि बाकी के आसपास के जो भी पहाड़ है वो पूरे डेड पहाड़ है बिल्कुल भी। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि कम से कम मैं ब्लॉग करूँ, क्योंकि हो क्या रहा है जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और अभी हमने ऑक्सीजन केन नहीं कैरी किया हुआ है, और अभी सबसे हाईएस्ट दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हो सकता है अभी रास्ते से हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, बट अभी चलते हैं। स्टिकर लगा हुआ देखो ना वहाँ पे आगे, इस पे ये पीछे लगा हुआ, पीछे जाओ, खोलना पड़ेगा पूरे पे भैया। ये देखो पर ये। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप बाइक रेंट पे लेते हो तो आपको एक पास मिलता है, तो वो पास यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो पास मैंने दिखा दिया यहाँ पे, और अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जो जो चीज़ें होती रहेंगी वो मैं आपको लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप भी आते हो तो आपको पूरा का पूरा अपडेट मिलता रहे यहाँ का। तो खारदुंगला यहाँ से 34 किलोमीटर है, तो हम लोग का जो अगला स्टॉपेज वो खारदुंगला भी होने वाला है। ये देखो व्यू, ऐसा लगता है कि दुनिया पूरी ख़त्म हो गई है, मतलब दुनिया है ही नहीं। अगर दुनिया में लोग नहीं होते तो दुनिया कैसा दिखता, ऐसा ही दिखता। देखो क्या व्यू है ना, मतलब पूरा नेचुरल और बीच में से ऐसा रोड बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा। प्लेन्स आ गया, ये विशाल विशाल अपने बाइक है, मैं अपनी बाइक पर सिंगल सिंगल ही चल रहा है। बट यहाँ पे प्लेन्स का भी व्यू कितना प्यारा है।
12 किलोमीटर है अभी यहाँ से। तो पहले हम साउथ पुल क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर आएगा थार दुबला। साउथ पोल के पास, साउथ पोल यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी साउथ पोल पे थोड़ा सा रुकेंगे, पानी वगैरह पियेंगे, क्योंकि अभी क्या है मैंने डिहाइड्रेशन बैग नहीं लिया हुआ है, तो बॉटल में ही पानी है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप पानी नहीं पीते रहोगे ना तो हेडेक बहुत तेज होता है, क्योंकि कल मेरे साथ ये हुआ। कल मैं जब टैक्सी से आ रहा था और मैंने पानी नहीं पिया रास्ते पर, तो मुझे बहुत गंदा हेडेक हो रहा था। तो आज मेरा ये प्लान है कि मैं रास्ते रास्ते में अपना पानी पीता रहूँगा। और मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से शायद परमिट चेक होता होगा या क्या है, एक बार देखते हैं। अरे वो नहीं, गाड़ी का नंबर खाली नोट कराना है। गाड़ी का नंबर बोल दो, न्यू नंबर है, बोल दो न्यू नंबर है। अरे नंबर का नंबर आया ही नहीं अभी, टेम्परेरी नंबर है। तो ये जो पहला स्टॉपेज था, यहाँ पे ये लोग गाड़ी का नंबर और कितने आदमी जा रहे हैं और मोबाइल नंबर, ये सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि ये काउंट कर सके कि कितने लोग जा रहे हैं। और आगे वाले बॉर्डर पर भी सेम चीज़ें ही चेक होती है, बाद में ये उसको कैच करते हैं। यहाँ पर जो स्नो वाली वैली है, वो स्नो आ गया है यहाँ पे, मतलब पहाड़ है पूरा जिसके ऊपर थोड़ा सा बर्फ है, तो जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ठंड अभी स्टार्ट हो गई। मैंने सिर्फ एक टी शर्ट के ऊपर एक पतली वाली जैकेट डाला हुआ है, क्योंकि मुझे लगा कि नीचे बहुत गर्मी है तो ऊपर भी थोड़ा गर्मी होगा। बट अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा, मतलब नॉर्मल ठंड लग रहा है, जैसे अपने यहाँ पर ठंड के टाइम में लगता है। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा तो फिर जैकेट निकालेंगे और डालेंगे, बट अभी तो कंट्रोलेबल है। तो ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट टॉप पर हम लोग आ गए, क्योंकि उसके ऊपर कोई पहाड़ी दिख नहीं रही है। आसपास जितने भी पहाड़ हैं लगभग इसके पैलर में ऐसे नीचे दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं होगा यहाँ से फारदुमला। वैसे बाइक जो है ना, एक एनर्जी भर देता है अपने बॉडी के अंदर। पहले मेरे साथ तो है कि जब मैं बाइक चलाता हूँ तो एक मस्त वाली एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, मज़ा आता है। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में और कहीं पर भी होते हो, वो जो एनर्जी है ना, मतलब ऐसे टायर से लेके स्टेरिंग से बॉडी के अंदर जाती है, और वो फील जो है ना वो बहुत ही मज़ा देता है। मुझे कार में उतना मज़ा नहीं आता, बाकी चीज़ों में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि मुझे बाइक में आता है। साथ बाइकर्स की यही पहचान होती है। प्यारा लग रहा है ना ये सामने वाला भी, भाव बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो विशाल अभी ये पूरा बर्फ है एकदम, ओहो। सामने पूरा एकदम ऐसे लग रहा है कि आप उसके ऊपर से स्की कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि जब पूरा बर्फ हो जाता होगा तो लोग ऊपर से स्की करते ही होंगे। थोड़ी ठंड बढ़ रही है, ओ भाई। तो अभी का जो एरिया है पूरा स्नो वाला एरिया है, तो पूरा स्नो वाला एरिया अभी स्टार्ट हो गया। तो अभी मुझे लग रहा है कि ठंड
तो अभी मुझे लग रहा है कि ठंड वगैरह बढ़ जाएगा, तो अब मुझे लग रहा है कि धीमे धीमे जैकेट निकालने का टाइम आने वाला है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहना हुआ और एक उसके ऊपर पतला सा जैकेट पहना हुआ। ओ भाई आगे तो बहुत ट्रैफिक है, तो आगे तो बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, तो हमें लग रहा है कि हमें रुकना पड़ेगा अभी यहीं पे। जैकेट निकाल लिया जाए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए खारदुंगला पीक पे, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पीक, तो ये है खारदुंगला। तो अभी ऊपर चलते हैं, फोटो क्लिक कराते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे और फिर निकलेंगे। यहाँ फोटो क्लिक कराना तो बनता है। अभी हम लोग खारदुंगला पीक पहुंच चुके हैं, ये खारदुंगला पीक दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पीक, फाइनली डन इट। कंप्लीट हो गया खारदुंगला।